और जयपुर सेंट्रल पार्क में स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम 2 अक्टूबर से पर्यटन विभाग गांधी वाटिका का संचालन करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज गांधी वाटिका पहुंचेंगे और गांधी वाटिका का अवलोकन होगा। व्यवस्थाओं का वहां पर जायजा लिया जाएगा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे। साथ ही वर्तमान में JDA गांधी वाटिका का संचालन और रखरखाव कर रहा है। 85 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम का निर्माण हुआ है। गांधी वाटिका का निर्माण 3 तलों में किया गया है। गांधी वाटिका का अवलोकन और व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। बड़ी खबर, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे मंत्री मदन दिलावर। दो अक्टूबर से पर्यटन विभाग गांधी वाटिका का संचालन करेगा और इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे, अवलोकन उनकी ओर से किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? 2 अक्टूबर से पर्यटन विभाग गांधी वाटिका का संचालन करने जा रहा है, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत ये कहीं ना कहीं बनेगी और इसका अवलोकन करने के लिए आज शिक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। मदनलाल शर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जयंती है उस दिन से वाटिका जो गांधी दर्शन को लेकर बनाई गई है वो शुरू हो जाएगी और अब इसका संचालन पर्यटन विभाग करेगा। पहले ये JDA के अंडर में था। ये दो एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आज मदन दिलावर जाएंगे, वहाँ निरीक्षण करेंगे, व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे क्योंकि 2 अक्टूबर को शुरू होना है, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को जायजा लेंगे और उसके बाद मीडिया से भी उनका रूबरू होने का कार्यक्रम है। और आपने देखा होगा मनीषा, इसको लेकर लगातार सियासत हो रही थी। सत्ता परिवर्तन के बाद ही विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही थी कि गांधी वाटिका को बंद कर दिया है, लेकिन गांधी वाटिका को बंद नहीं किया गया था। उसकी जो कमेटी बनी थी उसको लेकर सत्तारूढ़ पार्टी ने ऐतराज जताया क्योंकि उस कमेटी में व्यक्ति विशेष को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी, उसको उन्होंने निरस्त किया। और इसी को ध्यान रखते हुए पूर्व CM अशोक गहलोत ने धरना देने की भी चेतावनी दी थी, लेकिन उससे पहले CM मदनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला लिया और 2 अक्टूबर को आम जनता के लिए गांधी वाटिका को खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसका संचालन अब पर्यटन विभाग करेगा। उसी कड़ी में आज जैसा कि मैंने बताया करीब 10:30 बजे मदन दिलावर पहुंचेंगे, व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। इसी के साथ लाल सिंह, एक और कहीं ना कहीं जनता भी जानना चाहेगी कि गांधी वाटिका का जो संचालन अब आगे होगा और पर्यटन विभाग इसका प्रॉपर जो लागत निर्माण भी हुआ है, संचालन अब पर्यटन विभाग करेगा, तो जो एंट्री है वो फ्री रहेगी, निशुल्क एंट्री रहेगी या फिर उसके लिए भी कुछ चार्ज होगा? अभी चूंकि आम जनता के अभी ऐसा फ्री रहेगा या इसका शुल्क लिया जाएगा इसका अभी पर्यटन विभाग की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ है मनीषा, लेकिन मेरा मानना है चूंकि गांधी दर्शन के लिए उसको बनाया गया है तो शायद निःशुल्क ही रखा जाएगा। गांधी के जो तमाम सिद्धांत रहे हैं, राष्ट्रपिता हैं हमारे, और उनका जो योगदान आज़ादी में रहा और उनका जो जीवन दर्शन आज भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक बनाता है, जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, उच्च आदर्शों पर जीने के लिए प्रेरित करता है, मानव जाति के लिए समर्पित होने के भाव को पैदा करता है, तो ऐसे में उम्मीद तो यही की जा रही है कि शायद फ्री रहेगा। लेकिन मनीषा, ये पर्यटन विभाग की ओर से तय होगा और आज हम जब कवरेज करेंगे तो मदन दिलावर से भी जरूर सवाल करेंगे क्या रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, क्योंकि इन्हीं व्यवस्थाओं का अवलोकन लेने को जा रहे हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं की टाइमिंग क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा या शुल्क रहेगा, जो भी है तमाम चीजों पर हम आज मदन दिलावर से बात करेंगे तो और भी दर्शकों के सामने ये तस्वीर सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि इसको निःशुल्क रखा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर सेंट्रल पार्क में स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम और आज अवलोकन के लिए पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लेंगे क्योंकि 2 अक्टूबर से पर्यटन विभाग गांधी वाटिका का संचालन करने जा रहा है, तो ऐसे में उससे पहले क्या व्यवस्थाएं हैं ये देखेंगे।